सबसे पहले मैं जानता भी नहीं था धीरेन्द्र शास्त्री कौन है। सबसे पहले उन्हीं ने ही मुझे मसलने की, तोड़ने की, मरोड़ने की और लोगों से कहा कि इनको मार दो, चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ नहीं घरों में, सीपी दमलोदी को नहीं मार पाओगी। मैंने कहा भी था अपने दंदरुआ महाराज से, मैंने आपके मीडिया के जरिए से मैंने खबर पहुंचाई, क्योंकि मुझ पर भी नौता आया था कि आपको भी सम्मानित किया जाएगा। मैंने कहा ऐसे व्यक्ति से मुझे सम्मान नहीं कराना है जो माफिया हो, जो हत्यारा हो, ऐसे से नहीं करवाना है, हम तो घर पे ठीक हैं। तो मैंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी कि इस पापी को यहाँ मत बुलाओ, इस हत्यारे को यहाँ मत बुलाइए, यहाँ बुलाओगे तो कोई ना कोई दुखद घटना होगी। गरीब आदमी भैया, इनको धन्यवाद है, वो जो भी पकते हैं हमारे लिए बोलते हैं उनको साधुवाद है, वो अपना कार्य कर रहे, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ यही कहेंगे, हम सनातनी हैं, सनातन पर कुठाराघात करोगे तो हम बोलेंगे आप सनातन को मत छेड़ो, अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और उनसे हमारा कोई विरोध नहीं। अब रही बात उन्होंने जो दूसरा कहा, वो आरोप का कहा, हम भैया देखो हनुमान जी के सेवक हैं, हम तो रक्षा करने की बात करते हैं, किसी को बुरा नहीं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।